बांग्लादेश की आवाम ने कोरोना से बचाव के लिए एहतियात की बजाय दुआ को तरजीह दे दी। कोरोना से बचाव की दुआ के लिए बांग्लादेश में 25,000 मुसलमानों ने एक जगह पर जमा होकर बांग्लादेश समेत दुनिया भर के मुतासरा ममालिक के लिए वायरस से बचाव की दुआ मांगी। दूसरी जानब बांग्लादेश की मकामी इंतजामिया ने इज्तमा से इजहार लातालुकी कर दिया। इस वक्त जहां दुनिया भर में लोगों को एक दूसरे से दूर रहने की हिदायत की जा रही हैं और जहां कई ममालिक ने अपने अवाम को घरों तक महदूद कर दिया है, वहीं आबादी के लिहाज से मुसलमानों के बड़े ममालिक में शुमार होने वाले बांग्लादेश में 25,000 से ज्यादा अफराद ने कई घंटों तक एक जगह जमा होकर कोरोना से हिफाजत के लिए दुआएं मांगी। बांग्लादेश के चिटागांग डिवीजन में जिले लक्ष्मीपुर के मरकजी ईदगाह में मजहबी तंजीम की जानिब से दुआ का इहतमाम किया गया। कई घंटों तक हजारों अफराद ने बीमारियों और वबाओं से हिफाजत और उनके खात्मे के लिए दुआएं की। शाही जामिया मस्जिद के मौलाना मोहम्मद अनवर हुसैन ने दुआएं पढ़ाई। ताहम बांग्लादेश की मुकामी इंतजामिया ने नाताल्लुकी जाहिर करते हुए दावा किया है कि इज्तिमा की इजाज़त नहीं ली और न ही उन्हें इस बात का बरवक्त इल्म हो सका कि इलाके में हजारों अफराद जमा हुए हैं। दूसरी जानिब कोरोना के बायस पूरी दुनिया में मस्जिद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है या वहां पर लोगों को आने से रोका जा रहा है। ईरान, इराक, मुत्तहिद अरब अमारात समेत सऊदी अरब जैसे ममालिक ने नमाज जुमा के इज्तिमात पर भी आर्जी पाबंदी आयद कर रखी है, जबकि कुवैत, मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया और भारत जैसे ममालिक ने शहरियों को नमाजें घरों पर अदा करने की हिदायत दे रखी है।